राजनीति से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार में हलचल मची हुई है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाजपा जेडीयू के साथ छोड़ सकती है और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। भाजपा के कई दिग्गज नेता बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली जाने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, मंत्री नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे आदि शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले जेडीयू भाजपा से किनारा कर उससे पहले ही भाजपा के मंत्री अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच जेडीयू ने मंगलवार यानी आज विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आरसीपी सिंह के त्याग पत्र के बाद हुए राजनीतिक घमासान पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ कांग्रेस भी इस मौके पर सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस ने बिहार में राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ संबंध तोड़ते हैं तो कांग्रेस अपने खेमे में उनके स्वागत के लिए तैयार है। और वहीं आरजेडी से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय का जिम्मा लालू यादव के पास है। बिहार महागठबंधन रणनीति पर चर्चा पर मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया है। तो अभी तक जानकारी के अनुसार बिहार के हर खेमे में हलचल तेज बनी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या सामने आता है। फिलहाल बीजेपी और जेडीयू का अलग होना तय है। इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए चेतना मंच के साथ। इस खबर को आप तक पहुंचाया है हमारे साथी मुकेश दक्ष ने। मैं श्रुति मिश्रा, नमस्कार।